किया वो लभ कला सब होई ए गोरी आ कहतानी हम खुला ना चुपे चोरी। तो लड़की बोल रही है कि पर्दा में होई खुले आम ना करम हम गलतियों से गलत गलत काम ना करम। इतना अच्छा गाना है, आरा से आप बिलोंग करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या लगता है गाने को, क्या पब्लिक प्यार देगा इस गाने के, क्योंकि गाना तो बहुत प्यारा है और लोगों तक पहुंचा नहीं था, अब ये इंटरव्यू के जब मामले से लोगों तक पहुंचेगा तो क्या लगता है दर्शक प्यार देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर गाना अच्छा लोग लगेगा पब्लिक को तो अच्छे अच्छे गानों को भी लोग सपोर्ट करेंगे। जी पहले रूपेश जी, आपने भी मिलियंस में व्यूज देखे हैं, मिलियंस में देखे हैं, लेकिन बीच में आपको अंकुश लगा दिया अपने करियर पे जी, और फिर एक दोबारा शुरुआत की है। मैं रीजन जानना चाहूंगा कि वो ब्रेक किसने लगा? ब्रेक थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम था, इस वजह से फैमिली में सालों का गैप लगा था, 2 साल का, ये कोविड के वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था और घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम था। तो अब स्टार्ट किए हैं अपने ऑफिशियल से, पहले का कुछ सुपर हिट कोई ऐसा गाना हो जो दर्शक को याद कराए कि मैं वही हूँ रूपेश? एक गाना मेरा था जो 2 साल पहले गया है, बोलिए नहीं याद है तो बोल ही बता दीजिए अगर याद नहीं है तो, क्योंकि दर्शक रखना चाहिए। रुपेश आखिर है नया मोबाइल नया सिम दे दो, गाना का टाइटल था, आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, 2 साल पहले का 2020 का मेरा सॉन्ग था वो। कितना व्यू आया था उसका? व्यू 16 मिलियन है, 15-16 मिलियन। 16 मिलियन व्यूज दे के फिर अचानक से छोड़ क्यों दिए? वही रीजन तो आपको बताया क्या था, अब स्टार्ट किए हैं तो अच्छे अच्छे गाने परोस रहे हैं तो लोग सुन नहीं रहे हैं। भोजपुरी कलाकारों से कितना सपोर्ट मिलता है जो सीनियर आपके कलाकार हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग कहते हैं यूनिटी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये जहाँ तक देखा जाए सच है, एकता नहीं है। बिल्कुल एकता नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एकता है ही नहीं। अच्छा अब बिल्कुल ये अच्छा, कलाकार को लेके क्या कहिएगा जो आपस में झगड़ा करते हैं, पवन सिंह खेसारी लाल आपस में झगड़ा? नहीं करना चाहिए झगड़ा, क्योंकि वो लोग हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और सीनियर कलाकार हैं, उन वही दोनों अगर झगड़ा करेंगे तो उनके उन लोगों को देख के छोटे जो कलाकार हैं वो भी यही करेंगे, उन्हीं लोगों को देख कर हम लोग सीखते हैं। अच्छा आप किन को मानते हैं भोजपुरी में अच्छा, किन को आइडियल मानते हैं? आइडियल जैसे पवन सिंह को मानते हैं, गायकी में अगर मानते हैं तो पवन सिंह और उनके बाद अंकुश राजा और नीलकमल। अच्छा। और मतलब गाना तो सभी लोगों को सुनते हैं बट इन तीनों लोगों को हम अपना आइडियल मानते हैं। चलिए आपका गाना किस चैनल से रिलीज हुआ है? ये रुपेश मिश्रा ऑफिशियल से। रुपेश मिश्रा बगल में गाने के राइटर हैं तो इनसे भी बात करेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सबसे पहले तो इस चैनल से जितने सारे पब्लिक देखेंगे उनको दिल से धन्यवाद और आप सबको कि हमें आज ये मौका मिला, और हम रुपेश मिश्रा के राइटर हैं और हमारे तरफ से पूरा फुल प्रयोग रहेगा कि रुपेश मिश्रा को इस साल हम मार्केट में लाएँ और एक गाना का मतलब रिहर्सल भी हो गया, गाना बहुत जल्द आने वाला है आरा जिला पे, और हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है रुपेश मिश्रा को, और जितना मेरे कलम में दम रहेगा उतना रुपेश मिश्रा के लिए देंगे। रुपेश जी अच्छे गाने चल नहीं रहे हैं, आपको भी पता है, जाहिर से बात है, क्यों नहीं रुपेश जी ऐसा सोचते हैं कि हम भी ढोली चोली साया ये सब गाने नहीं, पूरा मार एकदम कुआं कुआं कर दीजिए? नहीं नहीं इतना ताकि धुआं धुआं हो जाए। अच्छे अच्छे गानों से छवि बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि असली गाने से ही आप स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए अंकुश राजा नीलकमल ये लोग उतना अश्लील नहीं गाए हैं, अच्छे गाने गा के भी आप स्टार बन सकते हैं, अपना अलग एक छवि बना सकते हैं इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं है कि आप अश्लील गाने गा के, अभी देख ही रहे हैं आप लोग, अभी तो अश्लीलता का दौर चल रहा है, तो अश्लील गाएगा वही समझ के मार्केट में सुपर हिट है, बादशाह बना हुआ है। और जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप नहीं गाना चाहेंगे जातिवाद गाना? नहीं ऐसा नहीं, हम एक गाए हैं लेकिन अब नहीं गाएंगे, एक गाना गाए हैं जातिवाद मेरा अभी, हाँ पंडित जी पे आया था, मेरा ऑफिशियल से आया था फर्स्ट गाना वही, अभी मतलब अब नहीं गाएंगे, लेकिन अब नहीं गाएंगे असली। अच्छा राइटर जातिवाद नहीं करना है, सबसे पहले तो कलाकारों का कोई जात नहीं होता अपना। राइटर जी आपसे सवाल रहेगा, रुपेश मिश्रा जी को ऐसा गलत गलत काम करने पर आप मना कर रहे हैं, नहीं करेंगे, तो लोग जो होता है वो राइटर कलाकार को ऐसा ऐसा गाना लिख के देता है कि बिल्कुल गलत ही काम होता है उसमें, तो ऐसा कहीं नहीं गाना लिख के दे रहे हैं कि तुरंत स्टार बन जाए? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम चाहे रुपेश कुछ सबसे अलग छवि में अपना मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना हक जमाए, और आने वाले समय में हम लोग सबसे हट के एक अलग तरीका से राज करेंगे इंडस्ट्री में,
और प्रयास जारी है हमारे तरफ से, हमारे कलम में जितना दम रहेगा उतना हम रूपेश के लिए करेंगे। आरा जिला पे कौन सा गाना लिख रहे हैं? आरा जिला पे बहुत ही घातक खतरनाक मतलब धांसू सॉन्ग आने वाला है। हाँ। गाना का मतलब उसी नाम रहेगा कि आरा जिला के रंगदार। गाना तो अभी बता नहीं सकते, बहुत चोरी हो रही वाला है, थोड़ा सा बता दो, गाना लीक हो जा रहा है। और तो चलिए रुपेश जी, काफ़ी इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताऊंगा मैं लास्ट में आपको चलते चलते कि अश्लील गाने और जातिवाद गाने से आप बचें, बिल्कुल, बिल्कुल आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा। लेकिन एक सवाल आपसे रहेंगे कि आपने इतना दिन से गाने को गाए तो काफ़ी आपका सुपर हिट रहा, ठीक है, और बहुत आपने साफ सुथरा भी गाने को गाया, अगर ये गाने नहीं बजेंगे तो आगे क्या करेंगे? बिल्कुल मेहनत करेंगे, क्यों नहीं बजेगा, मतलब साफ सुथरे आप गाने गा रहे हैं। हाँ। अगर इस गाने से सफलता नहीं मिला साफ सुथरे गाने से तो आगे चल के क्या करेंगे आप? देखिए भोजपुरी में एक होता है उस हद तक ही थोड़ा सा, क्योंकि फ्लेवर देते हैं लोग, अब ज़्यादा अश्लील लोग ढोनी आए थी ये सब वर्ड का यूज करेंगे तो ये मतलब चीज़ सही नहीं है। नहीं मिलेगा तो आप भी आगे चल के फिर? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो वही हम गाएंगे, बस थोड़ा सा होता है एक मतलब होता है ना फ्लेवर, वो उतना ही तक रहेगा ज़्यादा। अच्छा दर्शक से क्या कहेंगे जो गलत गलत काम ना करेंगे गाना हम है, सभी दर्शकों से यही बोलेंगे कि आप लोग इस गाने को प्लीज सुनिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। किस चैनल से आया ये भी तो बता, रुपेश मिश्रा ऑफिशियल से आया है। तो रुपेश मिश्रा ऑफिशियल से दर्शक जितने भी देख रहे हैं गलत गलत काम ना करें इनका गाना है तो आप लोग जरूर सुनिएगा। और डायरेक्टर जी क्या कहेंगे, जनता से क्या गुहार लगाएंगे, इतना बढ़िया गाना लिख के दिए हैं, काम नहीं गलत गलत करवा रहे तो जनता से कुछ कहिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि रुपेश को फुल सपोर्ट कीजिए और आगे भी ऐसे ही कुछ मैटर आएगा जो मतलब घर में भी बजा के सुन सकते हैं और हमारा गाना रहेगा, जो गाना आएगा मेरा हर पारिवारिक गाना आएगा और रंगदारी पे रहेगा, इसके अलावा मेरा कोई मतलब नवजात जातिवाद गाना नहीं आएगा और ये ढोंगी चोली मतलब ये सब गाना मेरा नहीं आएगा, जो आएगा पारिवारिक सॉन्ग आएगा। थैंक यू।